प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियमित अंतराल पर बैठक होती है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे, रेलवे, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के बेहतर विकास को गति और बल प्रदान करना है। आइए एक नज़र डालते हैं जनवरी 2023 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर। 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्रतिवर्ष न्यूनतम 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी, वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी और 6,00,000 से अधिक रोजगार सृजन। 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू हुई प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सीमावर्ती एवं रणनीतिक क्षेत्रों के दायरे का विस्तार, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान करना, ओवी वैन की खरीद और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी स्टूडियो का डिजिटल उन्नयन, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। 12,882.2 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों की कमियों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि आएगी। मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र। 2,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रुपे डेबिट कार्ड एवं कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। इसके द्वारा UPI लाइट और UPI 123 पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान विकल्पों के रूप में बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी। इन समितियों के उद्देश्य इस प्रकार हैं: बहुराज्य सहकारी जैविक समिति, जैविक उत्पादों की जांच, ब्रांडिंग और उनका विपणन, विश्व में किसानों को जैविक उत्पाद बेचने में मदद करना। बहुराज्य सहकारी बीज समिति, बीज उत्पादन, खरीद, ब्रांडिंग एवं बिक्री के लिए कार्य करना, स्वदेशी प्राकृतिक बीजों का संरक्षण। बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, सफल व्यावसायिक उद्योग बनने में मदद करना और लगभग 8.45 लाख समितियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ये सभी निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।